अमित शाह जी है, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेना चाहिए? थोड़ी भी नैतिकता उनमें है तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। टोटल फेल्यूर होम मिनिस्टर, कंप्लीटली फेल्यूर होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। देश की तरफ ध्यान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, देश की सुरक्षा कोई ध्यान नहीं है। बस चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, यहां वहां दबाव लाओ, अपने विरोधियों को खत्म करो, देश के दुश्मनों को खत्म करो। अगर आप में हिम्मत है, हमारे जवान हर दिन शहीद हो रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पर शिकंस तक नहीं मैं देख रहा हूं। दर दिन अब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दर दिन। बस अब कीर्ति चक्र देंगे, किसी को ये चक्र देंगे, उसे कुछ नहीं होता है। हत्याएं है, ये जवानों की हत्या दर दिन चल रही है। ठीक है, हम उनको बलिदान बोलेंगे, शहादत बोलेंगे, लेकिन ये हत्याएं है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार मोदी और शाहजी की सरकार। आपका हो गया सवाल है सर, चार नेता कहा जा रहे हैं अजीत पवार ग्रुप के, शरद पवार ग्रुप में जाएंगे, उससे पहले ये भी कहा गया कि कुछ दो दिन पहले छगन भुजबल जाके शरद पवार जी से मिले, और फिर से आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि अजीत पवार को साथ में लेने की वजह से ही जो लोकसभा के चुनाव में हम हारे हैं। क्या सभी भ्रष्ट लोग, अजित पवार नहीं, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे भावना गवळी हो, चाहे प्रताप सरनाईक हो, चाहे रविंद्र वायकर हो, कुछ लोग जीत गए, जिताए गए, कुछ लोग जिताए गए, एक्सीडेंटली जीत गए पैसे की ताकत से, लेकिन सभी भ्रष्टाचारी लोग अपने साथ लेने से आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट और बदनाम हो गए। बोला बोला गृहमंत्री मात्र इतर राष्ट्रीय घडामोडी बघा, ज्या दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेतली त्या क्षणीच काश्मीरमध्ये सगळ्यात मोठा हल्ला झाला।